लीजिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एजी करंट हो क्या करेगा, हमेशा डैम्पिंग जो टर्क हो, जो डैम्पिंग होता है उसको क्या करेगा, नेगलेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा लेंज लॉ पे काम करता है। और लेंज लॉ क्या करता है, जो भी हमारे टॉर्क जनरेट होता है उसको क्या करता है जी, अपोज करता है। तो चलिए यहाँ पे हमने एडी करंट का लगाया, जो क्या हो जाए, इसको ज्यादा डिटेल पढ़िए। फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग बोल रहे हैं, फ्लूड फ्रिक्शन क्या है, देखिए इसमें क्या है, फ्लूड भरा हुआ है, इसमें फ्लूड भरा है, इसमें क्या है, चार इसमें आपको पिस्टल लगा रखा है, इसको क्या करेगा, ये ऑयल है, ये ऑयल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमें कितना डैम्पिंग टॉर्क चाहिए जी। तो डैम्पिंग टॉर्क जितना हमको बैलेंस करना चाहिए उसमें हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जी, इसमें फ्लूड भरेंगे। तो देखिए इसकी क्या है, सयांता ऊंच होती है, सयांता ऊंच होने से क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा, डैम्पिंग क्या हो जाएगा, डैम्पिंग कंट्रोलिंग कैपेसिटी इसके पास ज्यादा होगी जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग एक मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था जी, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल, तो वो मूविंग क्वाइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी पढ़ेंगे जी। तो मूविंग क्वाइल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें बोला कि क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट है जी, क्या है जी, परमानेंट मैग्नेट है, क्या है मेरा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच क्या है एक मूविंग क्वाइल है, एक मूविंग क्वाइल है, इसमें क्या है जी, इसके ऊपर स्प्रिंग लगा है, नीचे भी क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है, ये क्या है, बोल रहा है कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, क्या है जी, ये नीडल जैसे क्या हो जाएगा, पॉइंटर जो मेरा है ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा जी अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्टिंग टर्क, ये जो मैग्नेट और करंट इसमें पास करेंगे तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा, तो पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये पॉइंटर जैसे ही मूव करेगा, इस पॉइंटर को हमको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए जी, तो एक कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए, जो कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से देंगे, इस स्प्रिंग से देंगे, ये जो ऊपर और नीचे स्प्रिंग है इसको दे देंगे और क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, यही मेरा क्या है जी, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट है ये जो हम बात करें इसके लिए। तो ये डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, विद्युतीय चुंबक प्रेरण पर कार्य करता है, यह स्केल एक समान होता है जी, ये क्या है, यूनिफॉर्म होता है, इसका स्थायी चुंबक में प्रयोग किया जाता है, स्थायी चुंबक में डायनोमियम के प्रकार की तरह होते हैं, दो मीटरों की तुलना में महंगे होते हैं, बोल रहा है कि जो दूसरे मीटर होते हैं उसकी तुलना में क्या होता है जी, थोड़ा महंगा होता है। चलिए इसकी शक्ति खपत क्या होती है, कम होती है, ये शुद्धता ज्यादा होता है जी, ये डीसी और डायनामो की मूविंग क्वाइल एसी यंत्र डीसी दोनों पर कार्य करता है, किसके होता है, एसी और डीसी दोनों करंट को क्या कर सकता है जी, मेजर कर सकता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिपल्सन इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना है। चलिए गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं जी, जो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक नीडल होता है, गैल्वेनोमीटर में जब करंट हम पास करते हैं, जब करंट पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि सर्किट में हमारे पास करंट है या नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर बताता है। तो इसके लिए देखिए कौन सा है जी, और इसमें अगर मान लीजिए करंट हमको मेजर भी करना है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है, 10^-7 क्या होता है जी, माइक्रो, तो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है कौन सा, तो गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जी। और बात की जाए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको पढ़ना है, तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर को किस सिंबल से दिखाई देते हैं, तो देखिए सर्किट में कैसे दिखाते हैं, गोल घेर देते हैं, उसमें जी लिख देते हैं, क्या होता है, करंट पास कर देते हैं, तो क्या होता है जी, एक गैल्वेनोमीटर है। चलिए आमीटर की बात करते हैं, देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सभी का याद रखिएगा, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको जो है पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है, इसलिए मेंशन किया गया, इसलिए आप उसको टॉपिक को छोड़ नहीं सकते जी। चलिए आमीटर की तरफ आते हैं, तो आमीटर क्या करता है जी, तो आमीटर करेंट को मेजर करता है जी। एमीटर का सिंबल क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सिंबल क्या होता है, सर्किट में देखिए कहीं भी दिखाना होगा तो क्या करेंगे, सर्किट को सीरीज में लगाएंगे और ए से डिनोट करेंगे और उससे करंट पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, एमीटर हो जाएगा जी। चलिए तो एमीटर क्या ऐसा सिंबल होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट होता है, इसमें क्या होता है जी, वायर यहाँ पे आया है, ये वायर गया है, इसमें वायर में करंट जैसे ही पास होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जैसे क्या हो जाएगा, टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा जी, ये टॉर्क जनरेट जैसे होगा तो क्या हो जाएगा जी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा और क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक क्या चाहिए जी, स्प्रिंग रहता है जो इसको क्या कर सकता है, बैलेंस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बोल रहा है कि अगर सर्किट एमीटर को सर्किट में मेजर करना है जी, करंट मेजर करना है, तो मान लीजिए सर्किट है मेरे पास, ठीक है जी, ये मेरे पास सर्किट है, ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास कैपेसिटर कुछ भी है, ये इंडक्टर है और सब कुछ भी लगा लें जी। चलिए तो ये देखिए, मान लीजिए सर्किट है, अगर मुझे कहा जाए कि इस सर्किट में करंट मेजर करना है जी, इस सर्किट में करंट मेजर करना है तो कैसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एमीटर लगाएंगे, किसमें लगाएंगे जी, एमीटर यहाँ लगाएंगे, क्या है, सीरीज में लगाए ना, तो एमीटर को किसमें लगाते हैं जी, सीरीज में लगाते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो रजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताने का मतलब क्या है जी, वोल्टेज हम कहाँ से बताएंगे, यहाँ से यहाँ बताएंगे, तो इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो एमीटर किसमें लगाए हैं, सीरीज में, वोल्ट मीटर किसमें लगाएंगे, तो पैरेलल में लगाएंगे, एमीटर किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, वोल्ट मीटर किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे जी। चलिए तो इस दोनों बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है जी।
चलिए अमीटर के बारे में और कुछ जानते हैं जी। बोल रहा है इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, सही बात है। विद्युत परिपथ में श्रेणी में लगाया जाए तभी पढ़े जी। इसमें विपेक्षण टॉर्क धारा से उत्पन्न किया जाए, टॉर्क किससे जनरेट हो जाए, करेंट की वजह से जनरेट होता है। चलिए गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए देखिए अब क्या है जी, जो बात की जाए तो गैलोनोमीटर से क्या बनाया जाता है, अमीटर बनाया जाता है, वोल्ट मीटर बनाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, गैलोनोमीटर से क्या बनाया जाता है, अमीटर बनाया जाता है, वोल्ट मीटर से बनाया जाता है। तो गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, मान लीजिए मेरा गैलोनोमीटर है, इसको हमको अमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे जी, गैलोनोमीटर को जब अमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे। किसमें लगाएंगे जी, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या है स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे जी, पैरेलल में लगाएंगे। गैलोनोमीटर में अगर स्मॉल रेजिस्टर लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, अमीटर बन जाएगा। चलिए देखिए इस सर्किट में यहाँ पे एक गैलोनोमीटर है जी, क्या है मेरे पास एक गैलोनोमीटर है, इसमें गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, उसको मान लेते हैं आर जी। चलिए जी इसके पैरेलल में क्या हमने लगाया, एक आर संट लगाया, क्या जी, संट स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है जी, और यहां से हमने एक गुजार दिया जाए तो पैरेलल में हो गया ना। तो ये जो आर क्या है जी, स्मॉल है, ये क्या है जी, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है। तो देखिए यहां से जो भी करंट आएगा एक क्या हो जाएगा, आईजी की तरफ जाएगा, जो गैलोनोमीटर जा रहा है मान लीजिए जो आईजी करंट मान रहा है, जो इधर आ रहा है उसको मान लें आई आर मान लेते हैं जी, आई आर, ठीक है। तो अब देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है क्या होगा, बराबर होगा ना, बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं आई जी इंटू आर जी बराबर क्या होगा जी, आई आर और आर एस, ये बराबर होगा, ठीक है जी, आई जी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, कौन सा है जी, तो हमारा गैलोनोमीटर है, ये मेरा अमीटर में बन गया जी। तो देखिए गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, तो हम क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे एक रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस क्या होगा संट करेंगे जी, पैरेलल में जोड़ेंगे यानी संट के, संट का मतलब ये होता है पैरेलल होता है। अब संट में करेंगे तो रेजिस्टेंस हाई रहेगा या लो रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा जी, लो रहेगा, अमीटर में बदलने के लिए और लो रेजिस्टेंस चाहिए जी। वैसे ही वोल्टेज वोल्ट मीटर बनाने में हम भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ से हमने बैलेंस कर दिया जी इक्वेशन, तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी, अब बात की जाए कभी कभी क्या करता है, ये जो हमने आई आर एस लिखा है, आई आर एस को भी क्या करता है, वो चेंज कर देता है। देखिए यहाँ से अगर केसीएल अगर लगाते हैं इस पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगी, आई जो सर्किट में है, आई सी बराबर क्या हो जाएगा जी, आई जी प्लस आई आर हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम अगर आई आर को अगर चेंज करते हैं, आई आर हमको नहीं पता है तो आई जी आर एस, आई आर को क्या लिख सकते हैं जी, आई आर को यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए आई आर को लिख सकते हैं जी आई सी माइनस आई जी लिख सकते हैं, आई सी माइनस आई जी लिख सकते हैं, तो आर एस आई आर को क्या लिख सकते हैं, आई सी माइनस आई जी। तो ऐसे भी सिंबल बैलेंस किया जाता है जी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हमको क्या रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे जी, चेंज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें अभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा एस की, अब संट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास ये है, जो भी हमारे पास क्या हो जाएगा आर एस निकालना है, हमारे पास सब वैल्यू पता होगा, आई जी पता होगा, आर एस पता होगा, सब क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, हमको जो भी डेटा दिया रहेगा हम उसे क्या करेंगे निकाल सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप मुझे पता है कि आप लोग उतना कर लीजिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, शून्य होता है। अगर बात की जाए आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल सॉरी अमीटर का, तो उसका क्या हो जाएगा करंट, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। बोल रहा है अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, देखिए अब इसमें हमने पैरेलल में लगाया, आपको ही पता है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है जी, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है क्या होता है, दोनों से क्या होता है, स्मॉल होता है। तो वही बोला है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, संट के प्रतिरोध से कम रहता है जी। एक अमीटर में संट का कार्य करंट की गुजरना, एक अमीटर में संट का कार्य क्या है जी, देखिए अभी संट को क्या किया जी, संट में हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस स्मॉल लगाया, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, इसका मतलब क्या है, सारा का सारा करंट किधर से जाएगा जी, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया ना जी, तो सारा का सारा करंट किधर से पास होगा, इधर से होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करंट इस सर्किट से पास होगा जी। तो अमीटर में संट का कार्य क्या होता है, करंट को गुजारना होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा से ज्यादा गुजरेगा। यह एक द्वितीय उपकरण, ये क्या है जी, सेकेंडरी क्या है जी, डिवाइस है, इसमें क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर की तरफ। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, मेरा वोल्ट मीटर है। ये देखिए वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जी, तो किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को क्या करते हैं जी, सर्किट में वी लिख देते हैं
और उसको क्या देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव साइन दिखाते हैं जी। पॉजिटिव और निगेटिव दिखाना पड़ता है, क्या होता है जी, आपको भी पता है कि बैटरी में क्या होता है जी, वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसलिए वोल्ट मीटर में क्या होता है जी, सिंबल दिखाना जरूरी है पॉजिटिव निगेटिव का। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए जी वोल्ट मीटर का दिखा रखा है, वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं जी। वोल्ट मीटर का ऐसा फिगर होता है आप देख सकते हैं जी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। चलिए वोल्ट मीटर नाम से ही पता चला वोल्टेज। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा क्या लगाते हैं जी, पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर को कैसे लगा रहे थे, सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे लगा कि पैरेलल में लगाए, जब भी करंट मेजर करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमने एक ड्रॉ बनाया था जी, यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इसमें देखिए हमने एमीटर को क्या किया था, सीरीज में लगाया था जी, और वोल्ट मीटर को किसमें लगाया था, पैरेलल में लगाया था इस सर्किट। तो यहाँ से बोल सकते हैं वोल्ट मीटर किसमें लगाना है, पैरेलल में लगाना है। एमीटर किसमें लगाना है, सीरीज में। जब हमको करंट मेजर करना होगा तो एमीटर को सीरीज में लगाएंगे। जब हमको वोल्टेज मेजर करना होगा तो क्या हो जाए, वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में पैरेलल में लगाएंगे जी, यानी समानांतर में लगाएंगे। सीरीज मतलब श्रेणी होता है, पैरेलल मतलब समानांतर होता है जी। तो अब देखिए यहां तो हमने वोल्ट में लगाया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैलोनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करना है, गैलोनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे जी, सीरीज में नहीं लगाएंगे। गैलोनोमीटर एमीटर करना है तो शंट में लगाएंगे जी, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे जी, किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे और क्या लगाएंगे जी, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या कहेंगे, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। सीरीज में लगाएंगे और क्या लगाएंगे जी, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसका उपयोग वोल्टेज को मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। इसके विपेक्षक टॉर्क मापने के लिए वोल्टेज के समानुपाती धारा में उत्पन्न होता है। बोला विपेक्षक टॉर्क जो होता है, मापने वाली वोल्टेज के समानुपाती धारा होती है। गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर की श्रेणी में लगाया जाता है। बोला है देखिए हाई क्या चाहिए जी, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। हाई रेजिस्टेंस किधर चाहिए जी, मल्टीप्लायर के तौर में क्या लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, जिसका क्या होता है, रेंज बढ़ा देते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस यानी मल्टीप्लायर है जो अब गैलोनोमीटर के साथ में लगाया तो क्या हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक गैलोनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, तो आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जी। चलिए आगे, अब इसी को सिंबल को क्या है जी, अब देखिए इसी गैलोनोमीटर को क्या है जी, वोल्ट मीटर चेंज किया है तो क्या जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। उसी इक्वेशन को समझ लेते हैं जी। चलिए जी देखिए, एक मेरा क्या है जी, ये मेरा गैलोनोमीटर है, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है जी, मेरा रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है, इसको हमने सीरीज में जोड़ा था जी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। यहाँ तो क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ये जो मेरा वोल्टेज है यानी वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज हो क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, तो आई इंटू आर प्लस इसमें आर जी होगा ना जी, गैलोनोमीटर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जी होगा। तो ये वैल्यू हो गया। अब इसको मान लीजिए हमको निकालना होगा, यहाँ से जो भी हमको निकालना होगा यहाँ पे केसीएल के भी लगा देंगे, हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इतना सारा ये बहुत सारा फॉर्मूला लगा रखा है, इस फॉर्मूला को अगर याद करने जाएगा तो याद भी नहीं होगा और आप इससे क्वेश्चन भी नहीं बना पाएगा जी। तो आप इस बात को ध्यान रखिए जी, आप केवीएल और केसीएल वाले जो भी मैंने प्रॉब्लम्स कराए हों उस प्रॉब्लम को ध्यान से करें, ताकि उसी से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं जी, बेनिफिट उठा सकते हैं जी। चलिए आर क्या है जी, हाई रेजिस्टेंस है। जी क्या है, गैलोनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस है जी। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है जी, आदर्श देखिए आइडियल जो भी वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा जी, इन्फिनिटिव होगा यानी अनंत होगा। क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटिव होगा, बहुत ही हाई होता है। और अगर प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, बहुत हाई होता है। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का पूछा जाए तो क्या होता है, अनंत होता है। अगर आइडियल करंट, आइडियल एमीटर का अगर रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल अगर एमीटर का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। क्या हो जाएगा जी, मिनिमम होगा। मल्टीप्लायर का प्रतिरोध जो यहाँ मल्टीप्लायर यूज किया, रेजिस्टेंस यूज किया, क्या था जी, हाई रेजिस्टेंस था। नोट देखिए जी, बोला है एमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर, एमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह उपयोग किया जाता है जी। एमीटर को क्या कीजिएगा, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दीजिएगा, क्या जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर एमीटर की तरह यूज किया जाता है जी, ठीक है ना। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम 7 स्टार दे सकते हैं जी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।